ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸਵਾਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਬੋਹਥੈ ਤਾਰਿਆਮ। ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਿਆ ਪੌੜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਪਏ, ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਥੱਪੇ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ, ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ, ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਪਾਵਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 710 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਲੋਕ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਦੇਹੋ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
ते जिहड़ा संपूर्ण है ना वह कदे घटदा वधदा नहीं, वह डोलदा नहीं। पूरन कबहू ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप। दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत ना घाट। जिहड़ा कदे घटदा नहीं, जिन्हों फर्क नहीं पैंदा, मेरा मालक सतगुरु है, ऐसा संपूर्ण सतगुरु है, जिस गुरु च कमी कोई नहीं। पूरे का किया सब किछ पूरा, घट वध किछ नाहीं। मेरे सतगुरु ने जो कुछ पैदा करिया, जो कुछ बनाए हैं, सब संपूर्ण है, सब पूरा है। इस करके सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह कहिंदे मेरा गुरु है ही ऐसा, जिहड़ा गुरु हर जगह ते रमिया है, एक अनेक व्यापक पूरक। जत देखो तत सोई, माया चित्र बचित्र बेमोहित विरला बूझै कोई। गुरु परमेश्वर दे कौतकां नूं कोई विरला समझदा, क्योंकि माया दा भरमजाल भी ऐसा ही है। इस माया दे पचित्र खेडां नूं भी कोई विरला ही समझ सकता है। माया दुनिया दे उपर अपने चरित्र बचित्र बना सकती है, दुनिया उपर अपना प्रभाव पा के दुनिया नूं पटका सकती है। सतगुरु ऐसा है जिहदे अगे माया भी आके कंब जांदी है, डर जांदी है, गुलाम हो जांदी है। जिस उपर माया असर ना पावे, माया किसी प्रकार की असर ही ना होण दवे, तां पूर्ण गुरु की निशानी है। साहिब सतगुरु ही है, नहीं तो मनुख की की हस्ती। मनुख तो अज होर है, कल होर है, जिवें जिवें माया नचाउंदी मनुख नचदा है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे मेरा मालक संपूर्ण है, ते सब जगह ते रमिया। पूर्ण रूप गुरु रूप हो के वरत्या, शब्द रूप हो के वरतदा पिया। ते ऐस वक्त सतगुर ने सानू शब्द राही जेड़ा गुरु परमेश्वर दा सुनेहा दिता है, वो यही समझाया है, तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो किश करी सो तेरे हदूर। महाराज तू तो हर जगह पूर्ण तौर पर रमे है, तो जे मैं कुछ किया तू देखे हों मुकर पाऊँ, तेरे काम ना तेरे ना है। तू है सब जगह ते पर मैं मुकरी जाना भी है कोई नहीं, वेखदा नहीं। सतगुर सच्चे पातशाह कहते मेरा मालक उन्हूं वेखण वास्ते भी एक नज़रिया चाहिदा है, एक ढंग चाहिदा है। एक पंछी एक रुख ते बैठा बोलदा सी, तीन बंदे उस पंछी दी आवाज सुनदे। एक वैद बैठा सी, एक गृहस्थी बैठा है, एक ओ बंदा जिहड़ा धर्मी है, सतपुरश है, रब दा फकीर है ते मुसाफिर आ। ते तिन्हां ने इको ही पंछी की आवाज नूं अपने अपने तरीके नाल समझिया। पंछी बोलदा है ते वैद नूं पुछिया है कि तू दस की कहिंदा है। कहिंदा किसे नूं दर्द है, कोई रोगी है ते ए रोग दा इलाज लभदा है। दूसरा है गृहस्थी, वो कहन लगा भी तू दस भी ये किवें की बोलदा है। कहिंदा भी इहनूं भी मेरे वांगू किसे रोटी की भुख है, कोई खाना लभण नूं फिरदा है, कोई आवाज़ मारदा है भी कोई शायद कि तू इहनूं भी आसरा मिल जाए, रोटी प्रसादे खाने बनाने का प्रबंध कित हो जाए, जां इह कुछ कह रहा होवेगा भी मेरे घर तो कोई मुश्किल आ, मेरे घर तो कोई मुसीबत आ, जां आउण वाली आ, जां टल गई है, जां पई हुई है। फकीर नूं पुछिया भी तू दस की सुणदा है, वो कहिंदा मैं तो कह रहा, वह कह रहा तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। हुण आपू अपना नज़रिया है ना,
पंछी की अपनी बोली है, सुन वाले का आपो अपना नजरिया है, एक जिहो जे हालात में रह रहा है ओह जिहा ही महसूस कर रहा है। ये सच है, असी जिहो जे हालातों में हुंने असी रब नूं भी ओह जिहा ही महसूस कर लग पैने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने एक बाणी शब्द वरत्या, मन परदेसी जे थीए सब देश पर आया। जे साडा मन गुरु कोल बैठिया होया भी परदेसी है तो साढ़े वास्ते हर जगह परदेसी है। असी हर चीज़ तो दूर हाँ, जे गुरु कोल बैठिया होया भी मन गुरु दे नेड़े आ ते हर वेले गुरु अंग संग दिसदा। जिवें जिवें मन गुरु दे नेड़े आ ते चीज़ अंग गुरु अंग संग आ, ते जे मन गुरु तो दूर है ते फिर रब भी बड़ी दूर आ, दिखाई इदा देवेगा। तो सतगुरु महाराज ने आख्या है भंभीरी के पांत पर दो बिन देखिया दूर आयो। रब बहुत ही दूर नहीं है, है तो नेड़े पर बिना देखिया दूर आ। गुरु अर्जन देव साहब पातशाह कहते गुर गोबिंद गोपाल गुर, मेरा जेड़ा अकाल पुरख वाहेगुरु सृष्टि का राजा मालक है ना, गोपाल गुर। गो का अर्थ है धरती, तो बिंद का अर्थ होंगे सहारा देने वाला। गो मैंने धरती, तो पाल मैंने पालना करने वाला। जेड़ा मालक धरती का सहारा है, धरती नू पालना करने वाला है, वो मेरा गुरु जेड़ा है गुरपूरन नारायण है। वो मेरा जेड़ा गुरु है पूरन है, नारायण रूप है, पर नारायण वांग परमात्मा वांग हर जगह ते पूरन है, हर जगह ते रमिया है। गुर दयाल समर्थ गुर, गुरु दयालु भी है ते समर्थ है। समर्थ शब्द वो है जिदा अर्थ है भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं, हर जगो जेडे मर्जी पख तो वेख लो संपूर्ण है, कोई कमी है ही नहीं, ना घाट है ना बाढ़ है ना बाढ़ घाट होत है, समान रूप जानिए एक रूप है। वो सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे इस करके मेरा गुरु समर्थ है, तो समर्थ गुरु ही दुनिया के सारे तमाम कार्य कर सकता है। जिथों तक जिस दुनिया अंदर गुरु भी बड़े ने, पर जिनी 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 को किसी की पहुँच है वो उन्ना की हाथ पाँदा है। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी शहीदी पाउन तो पहला लाहौर जाने तो पहला 25 मई 1606 धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह गुरता गद्दी बख्श के गए सी। उदों उम्र गुरु हरगोबिंद साहब की 11 साल सी, हुण छोटी जी शरीर करके उम्र आ, दुनिया ने शरीर करके 11 साल उम्र जरूर वेख ली है, पर जेड़ा पिता गुरु दे नाल रह के तजर्बा सिख लिया नो कई सदियां दा है, कई सालां दा है। जेड़ा पिता गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने सबक पढ़ा दिता ना गुरु नानक साहब तो लैके ते अपने जीवन गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने खुद दे जीवन तक दा जिन्ना तजर्बा है सारा गुरु हरगोबिंद साहब की झोली च पाता है, सिखा दिता है, ते एक बहुत वड्डी रूहानी ताकत गुरगद्दी की बख्शिश धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जो बख्शिश की, भाई गुरदास नूं फिर कहना पै गया पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरपारी। पंज प्याले ते पंज पीर ने, प्याले की है ते पीर की है। प्याले हैगे ने गुणा दे सत संतोख दया धीरज धर्म, पंज प्याले ते पंज पीर ने गुरु नानक साहब गुरु अंगद देव साहब गुरु अमरदास गुरु रामदास महाराज धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी। पंज पातशाहियां पंज पीर ने, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरपारी। छेवीं पातशाही छठम पीर जेड़ा बैठा है ये भारी सतगुरु है। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी,
गुर दयाल समर्थ गुर अर्जन काया पलटकै। मूर्त हर गोबिंद सवारी, जेड़ी मूर्त हर गोबिंद साहब जी दी सवारी हुई है ये काया अर्जन पातशाह जी ने पलटी हुई है अपनी, क्योंकि मेरे सतगुर ने बाणी च आख्या है। पातशाह कहन लगे भी ये तो इदा का असूल बनता आया शुरू तो ही। सतगुर पातशाह कहंदे भी जोत उहा जुगत साए शह काया फेर पलटी है। जोत ते जुगत दो चीजा गुरु साहब ने संभालियां ने ते दो ही चीजा गां मंडियां ने। काया पलटदी रही है, काया बदलती रही है, जोत ते जुगत इको रही है। ये नहीं भी जिहड़ी जुगत गुरु नानक साहब ने वरती वह कुछ होर सी, जिहड़ी दसम पातशाह ने वरती जुगत कुछ होर सी, जां जिहड़ी हरगोबिंद पातशाह ने जुगत वरती वह कुछ होर सी। जोत भी उही रही है ते जुगत भी उही रही है जिहड़ी जुगत गुरु नानक साहब महाराज समझा के दस के गए सन। बाकी पातशाहियां ने उसी जुगत नूं ही अगां तोरिया है समय समय नाल। जोत उहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है, क्योंकि गुरु गुर दयाल समर्थ गुर, गुर पूर्ण नारायण है, गुर दयाल समर्थ गुर, गुर नानक पतत उदाहरण है। मेरा गुरु पतत उधार, पततां पापियां बंदियां दा उधार करन वाला है। अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी। ते फिर सतगुरु पातशाह बारे भाई गुरदास कहंदे ने चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी, दल पंजन गुर सूरमा बड जोदा बो पर उपकारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी, पुछण सिख अरदास कर छे महलां तक दर्शन हारी। सिखां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं पुछिया महाराज छे पातशाहियां तक तां दीदार हो गए ने गुरु नानक जोत दे, अगाम ही होणगे। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। हे संसारी सिख सुनो, महाराज बचन करके कहिंदे सन जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। गुरु नानक पातशाह दी जोत जिहड़ी जोत हुण छेवें पातशाह तक आई ते उह कहिंदे ने जुग जुग धरे अवतारी। जुग दा अर्थ है दो, दो ते दो चार, चार पातशाहियां अजे होर रूप विखाउणगियां, चार पातशाहियां दा होर अवतार होऊ अजे अगे। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी, छे ते चार दस पातशाहियां सन। इस करके सतगुर सच्चे पातशाह भाई गुरदास जी कहिंदे मेरा गुरु तां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जदों गुरियाई तख्त ते बैठदे सन सब तो पहला एक कार्ज होर होया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की अजे फौज एकत्र नहीं हुई, अजे कोई वड्डे पद्धर दे उपर कार्ज नहीं सी होया, पर साजिशां घड़न वालियां ने साजिशां घड़न दा तरीका अपना लिया। ये हुण छोटी उम्र विच गुरियाई ते क्यों बैठ गया। तुहानूं गुरु हरगोबिंद साहिब प्रति बड़ी लोकां दे विच भी खास करके जिहड़े ईरखावादी सी उन्हां अंदर ते नफरत बड़ी जग गई है, पर गुरसिखां ने संभालिया वक्त नूं भी। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने भी काया नूं पलट करके एक नवां मोड़ दिता। सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने 1609 दे करीब, कुछ अठ लिखते ने कुछ नौ लिखते ने, नौ के करीब 1609 नूं श्री अकाल तख्त साहिब की रचना की है। महाराज ने एक थड़ा बनवाया सी जिहदे बारे इतिहासकारां लिखिया, इतिहास ने तवा जीख ने शब्द लिखे ने बुढ़ा किसी राज ना हाथ लगायो बुढ़ा और गुरदास बनायो। भी अकाल तख्त साहब नूं किसी मिस्त्री ने नहीं सी बनाया, अकाल तख्त साहब नूं ज्ञान ते शरदा ने बनाया।
बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास वर्गे दोनों गुरसिखा ने बनाया ते ए गल याद रखना अरदास बुढ़ा साहब जी पासों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने करवाई है। जिस वक्त अकाल तख्त साहब बनिया सी ना वह एक थड़े रूप थड़ा उच्चा बनिया होया सी ते थड़े उपर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह तख्त लाया जाता आसन लग जाता है। छेवें पातशाह जी नूं संगतां नमस्कारां करदियां सत्कार योगबा बुढ़ा साहब जी मीरी ते पीरी दा सिधांत दृढ़ करवाउण वास्ते तलवारां लियांदे दो ढाडी नथा ते अब्दुल्ला सुर सिंह दे रहण वालियां ने आ करके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे चरणां विच वारां गाउणियां शुरू कीतियां सन। उन्हां वचन कीते सन दो तलवारां बद्दियां इक मीरी दी इक पीरी दे एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाहां कोट गाड़ दरवाजा बलख बखीर दी ते सतगुरु पातशाह नूं कह रहे ने नाल साथी नील नल ते पातशाह जीओ तुहाडे नाल ए दो ओ बहादुर भाव कहण तो तुहाडे वर्गे जिहड़े तुहाडे योधे सिख ने ना तुहाडे वर्गे सारे नील ते नल भाव की दो बहादुर योधे जिहड़े रामचंद्र दे कहिंदे दो मन्ने परमन्ने योधे होए सन पर कहिंदे ने भी सतगुरु हरगोबिंद साहिब दे नाल सारे नील नल ने। गुरु हरगोबिंद साहिब दा हर एक सिख योधा नील ते नल वर्गा बहादुर है। फिर कहिंदे ने पग तेरी की जहांगीर दी उदों एक हकूमत वल्लों हुक्म ते फैसला होया सीगा कोई भी बंदा सरकार दे बराबर ना तख्त ला सकता है ना कलगी ला सकता है ना दस्ता सरकार वांग कोई अपनी फौज बना सकता है पर सब कुछ होया कलगी भी लगी है तख्त भी रचिया गया है फौज भर्ती भी हुई है वारा भी गाइया जान लगियां एक बंदा जड़ा सतगुरु साहब महाराज की मुखबरी करन वालियां विचों सन उन्होंने मुखबरियां कीतियां ने गुरु हरगोबिंद साहब जी दियां। नथा देव दुल्ला ने कहा महाराज जहांगीर भावें किड्डी वड्डी अपनी पग सजा ले जड्डा वड्डी वड्डा मर्जी तख्त ला लवे पर गुरु हरगोबिंद साहब तेरी पग वर्गी पग नहीं तेरी दस्तार वर्गी दस्तार की रीस कोई नहीं। जहांगीर वर्गियां दी दस्तार अज हो रहा है कल हो रहा है अज है कल पता नहीं हैगी कि नहीं हैगी पर यह दस्तार सदा है। जहांगीर वर्गियां दी पग अज किते होर झुकेगी कल किते होर झुकेगी पर यह दस्तार सदा थिर है अटल है यह झुकेगी नहीं ना कोई झुकाउण वाला होएगा। तहन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के दरबार च ढाडियां ने वारां गाईयां गुरु हरगोबिंद साहब ने जवानियां मंगियां जवानियां दौड़ दौड़ आईयां शस्त्र मंगे घोड़े मंगे सिखां कोलों। सतगुरु एक गल विचारियो एक वक्त सी जो सतगुरु भी सिखां को मंगदा सी जो सतगुरु ने सिखां को घोड़े मंगे शस्त्र मंगे जवानियां मंगिया दुनिया के पदार्थ नहीं सीगे ये फौज की लोड़ सी ये कौम की लोड़ सी ये पंथ की लोड़ सी पर यह भी गल याद रखना जो ये चीज़ा सिख लियांदे सी ते सिख नूं गुरु कोलों दात मंगन की लोड़ नहीं पैंदी मेरा गुरु खुशी इन्ना हुंदा सी भी झोलियां भर के मोड़दा सी मेरा गुरु त्रुटदा ही इन्ना सी भी एक घोड़ा कोई लियाया कोई एक शस्त्र लियाया कोई अपना आप भेटा करन आया ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बख्शिशां दे सारे भंडारे खोल देंदे सन भी तेरे घरों गुरु नानक की बख्शिश नहीं जाएगी कदे। इवें गुरु हरगोबिंद साहब सेवें पातशाह जो ये शस्त्र रखे फौज रखी हुण उत्थे एक सवाल उठता है भाई गुरदास हुणां ने एक जिक्र कीता है भाई गुरदास कहिंदे लोकां ने सवाल उठाउणे शुरू कर दिते आपस विच कई ऐसे सन जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब दी इस कार्यकारी ते इस प्रबंध ते एक शंका करन लग पए। भाई गुरदास कहिंदे लोकां ने कहा जिहड़े पहले गुरु साहब सी ना वह तो इदा करते नहीं सी पंज पातशाहां तक ना किसी ने फौज रखी ना तख्त लाया ना ढाडी रखे ना शस्त्र रखे इहो जिहा माहौल कुछ भी नहीं सीगा पर एक ऐसा गुरु आ गया धर्मशाल कर बहीं दा इक तथाउ ना टिके टकाया
ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਰ ਬਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕੇ ਟਕਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਮਦੇ ਗੜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਮਾਯੂ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਗੜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਰ ਜਾਵੇ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਸ ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਲਏ, ਗਰਮ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਝੱਲ ਲਵੇ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਅਸੂਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਫਿਰ ਛਪਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਛਪਾਈ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਗੀ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਫਿਰ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਸ਼ਤ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਖੂਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਲ ਬੱਧੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੋ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਕਰ ਖੂਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਲ ਬੱਧੇ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਮੋਂ ਪੰਨੇ ਗਰੀ ਦੇ ਨਲੀਏਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੇ ਨਲੀਏਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮਨ ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਸਿਰ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮਣੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਭ ਕਸੂਰੀ ਮਿਰਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਜਾਣੀ,
जे कस्तूरी जानी फिर हिरन का शिकार ते करना पैंदा है। इस तरह कहिंदे ने त्यों वेमुख लोहा साधिया वगदी वधाणी। भाई गुरदास कहिंदे कुछ वेमुख लोहे वर्गे हुंदे ने जिहड़े गर्म करके ही सिद्धे करने पैंदे ने, जिहड़े हो ही टेढ़े गए ने, जिहड़े गल्लां नाल सबर नाल विचार नाल सिद्धे हुंदे ही नहीं, उन्होंने फिर गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे ने फिर इहोजिहा वेमुख लोहा जिहड़ा है ना इहनूं साधना ही पैंदा। सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आख्या नहीं, गुरसिखो राह गलत नहीं, राह गुरु नानक साहब वाला ही होएगा। यह गल सच है, तलवार शस्त्र गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने पकड़िया, शस्त्र जहांगीर कोल भी है, फौजां गुरु हरगोबिंद साहब कोल भी है, फौजां जहांगीर कोल भी है, पर फर्क पता की है, जहांगीर पीरां फकीरां पैगंबरां गुरु साहबाना उपर भी हुक्म चला दिंदा है, जहांगीर इन्हां उपर भी तलवार चला दिंदा है। गुरु नानक का घर कदे पीर फकीर पैगंबर के उपर तलवार नहीं चलाउंदा, सगो आदर माण करदा। तलवार कली तलवार नहीं, गुरु नानक का सिद्धांत बाणी रूपी कलम भी नाल है, ये भी याद रखना। जे तलवार कली होवे ते बंदा जालम बन जाता है औरंगजेब वांग। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज या गुरु हरगोबिंद साहब की बात करो, गुरु गोबिंद सिंह शस्त्रधारी भी है ते कलमधारी भी है, मगर कलम भी है, कलम दसदी है, कलम सिख्या देंदी भी तलवार चलाउणी कित्थे ते किस वक्त चलाउणी है, ते ए दसदी है भी सबर ते जबर दा प्रबंध की करना है। मगरों जिहड़ी गुरबाणी है ना इस तलवार चलाउण दा ढंग दसदी है, किथे चलाउणी ते किथे नहीं चलाउणी, किथे निम्रता वर्तनी, किथे वर्तन योग सिस्टम प्रबंध है, किथे हाथ जोड़ना है ते किथे अपनी इज्जत रखनी है। गुरु साहब ने बाणी च भी जिक्र किया, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम, जेता किछ खाए कि जे कोई जिउंदिआं जी भी इज्जत ही लाई जाए, पाती लाई जाए, ते इहो जे जीण नूं वी तरकार है। जे जीवै पत लथी जाए सब हराम, जेता किछ खाए उस बंदे दा सब कुछ खाणा पीणा पहनण भी हराम ही है, जे जिउंदे जी इज्जत ही लवाई जा रिहा बंदा। ते सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे इस करके हे प्यारे, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का कीता होया हर एक कार्य वो सी जिहड़ा बिल्कुल राह नवां सी। जे बिल्कुल राह नवां सी ते सवाल भी ते पैदा होने सी ना, सुभाविक सी। सतगुरु हरगोबिंद साहब ने ईरखा करन वालियां दी परवाह ना कीती, इस कार्य नूं अगे तोरिया। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, शस्त्र अपनाए, योधे रखे, फौजा रखियां। इस गल दी एक जिक्र मैं करन लगा बंदियां दा, 1606 तो लैके 1610 तक लाहौर दा सूबेदार बदलिया गया, क्योंकि जदों 1606 दे विच गुरु अर्जन देव साहब महाराज दी शहीदी होई ना, उदों सूबेदार सीगा मुर्तजा खां, ते गुरु घर दा कट्टड़ विरोधी, सख्त विरोधी, ते गुरु घर नाल रज के ईरखा करन वाला मुर्तजा खां सी। इहदा पहला नाम शेख फरीद बुखारी सी, इह मुर्तजा खां इहदा इक मरतबा सी, इहदा रुतबा मिलिया सी इहनूं। इह मुर्तजा खां लाहौर गुरु घर दा विरोधी सी, ते इसे ने गुरु अर्जन देव साहिब महाराज नूं शहीद कीता लाहौर दे विच, हुक्म जहांगीर दा सी। जदों जहांगीर नूं पता लगा भी हुण जे गुरु अर्जन देव साहब नूं शहीद करता है तो हुण पंजाब विच कितें बगावत ना खड़ी हो जाए, सरकार ने अपने आप नूं सच्चियां साबित करन वास्ते मुर्तजा खां नूं झूठी मूठी लोकां सामने गिरफ्तार करके उहनूं मुल्तान दा जा करके मुल्तान भेज दिता, पर मुल्तान दा भी जा करके उहनूं सूबेदारी लाया सी, पर लोकां सामने गिरफ्तार होया जी। उह सरकार विच सरकार हमदर्दी रखदी सी गुरु अर्जन देव साहब नाल, इस बंदे ने चंदू नाल रल के काम कीता, सरकार दे खिलाफ कीता, सरकार ने वेखा वखाई वैसे ही करन वास्ते लोकां नूं भरमाउण जा वास्ते मुर्तजा खां नूं झूठी मूठी गिरफ्तार कीता, फिर सूबेदार मुल्तान दा ला दिता गया। पर वक्त गुजरिया, 1606 तो लैके 1610 तक एक बंदा फिर लाहौर सूबेदार बनता है, उहदा नाम सी कुलीज खान। ये बंदा थोड़ा जिहा नम्र सुभाव वाला सी, श्रद्धालू सी,
साई मियां मेरा श्रद्धालु सी, जिदे करके इन्हें गुरु घर की कोई भी रिपोर्ट जहांगीर नूं नहीं दित्ती। 1610 तक तो गुरु हरगोबिंद साहब ने फौजां तैयार कर लिया सी, पर इन्हें 1606 तो लैके 1610 तक कोई भी गुरु नानक दे घर की गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के पावन स्थान की एक भी खबर एक भी रिपोर्ट ना भेजी। हालांकि मुर्तजा खां गुरु साहबाना की एक एक खुफिया रिपोर्टा बना बना के भेजता रहा, भड़का रहा जहांगीर नूं गुरु साहबाना के खिलाफ। मुर्त जदों कुलीज खान ने कोई रिपोर्ट ना भेजी तो जहांगीर नूं कन्न भरन वालिया ने आख्या चंगी गल है, चंगा बंदा सूबेदार लाया जिन्हें गुरु घर की कोई रिपोर्ट खबर दिती नहीं। तो उन्हें कन्ना दे कच्चे जहांगीर ने उस वेले कुलीज खान नूं 1610 च बदल दिता, तो 1610 विच बदल के उन्हू मुल्तान भेज दिते। मुल्तान वाला मुर्तजा खां फिर 1610 विच लाहौर आ जांदा है। जदों वो आया उन्हें आउंदिया सारी सारियां रिपोर्टां लईयां, जदों रिपोर्टां पता लगियां गुरु हरगोबिंद साहब ने फौज रखी, तख्त लाया, कलगी लाई, जिगा लाई, बाज रखिया, ताज रखिया, साज बनाया, कीर्तन हुंदा है, रवारा हुंदियां ने, उत्थे तां घोड़सवारी हो गई, फौजा हो गई, किला बन गया सी लोहगढ़ दा। अमृतसर साहब दे चार दरवाजे जरूर है, पर एक गल चेत रखना, चार दरवाजे गुरु अर्जन देव साहब ने हरिमंदर साहब दे जरूर रखे, पर छेवें पातशाह ने पूरे अमृतसर साहब दे दुआले चार दवारी करके उहदे भी चार दरवाजे छेवें पातशाह ने रखाए सीगे। हरिमंदर साहब दे चार दरवाजे पंजवें पातशाह ने रखवाए ने, अमृतसर दे चार दरवाजे छेवें पातशाह ने रखवाए सन। चार दवारी करके किला नूं भी बना दिता सीगा, ते अमृतसर तो पुतली घर वाली साइड नूं छाटा साहब वाले पासे किला बनाया सी, लोहगढ़ दा किला। उत्थे सतगुरु दे सारे फौज दल घोड़े अस्तबल सारा प्रबंध उत्थे सीगा। ये सारी डिटेल एक एक खबर मुर्तजा खान ने जहांगीर नूं भेज दित्ती कि जे अजे भी मौका ना सांभिया गुरु हरगोबिंद तेरे हथों निकल जाएगा, तो पंजाब विच अज नहीं तो कल बगावत खड़ी होई लै। उदों फिर जहांगीर ने मन च ख्याल आया कि मेरी सरकार दे हुंदिया होया कोई नवी सरकार नहीं होनी चाहिए। मुर्तजा खान एक गल ये भी बना के लिखी, सारे फैसले तो अकाल तख्त लोग लैके जान लग पे, साढ़े कोल तो कोई फैसला लैके नहीं आता, असी कादे वास सरकार दे बंदे बैठे जो साढ़े कोल किसी ने फैसला लैके नहीं आना, तो फिर अज नहीं तो कल लै नवी सरकार बनी है, लै नवी फिर एक बगावत खड़ी हुई है, अजे भी मौका ही संभाल लै, दब लै, दबा लै। उदों फिर एक चिट्ठी आउंदी है गुरु हरगोबिंद साहब नूं जहांगीर दे कोल, जहांगीर वालों भेजी हुई छेवें पातशाह कवाउंदी, जिदे विच लिखिया सी गुरु हरगोबिंद साहब नूं जहांगीर तुहानूं मिलना चाहुंदा, तुहाडे नाल मेल मिलाप करके कोई गलबात करना चाहुंदा है। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखिया कि गुरु हरगोबिंद साहब भी चाहते सी जहांगीर नूं मिलना, पर मिल के एक गल कहना चाहते सी भी जो पिछे होया बीतिया बीतिया, कोई गल नहीं, अगां तो सारे जाने संभल के ते मिलवरत के चलीए। इस गुरु इस विचार नाल गुरु हरगोबिंद साहब ने मिलना सी, पर मुर्तजा खां वालों भरे हुए कन्न जहांगीर जिहड़ा सी इस गलों अंदरों अंदरी ईरखा करदा ते नफरत करदा सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बुलाया गया दिल्ली दे विच, दिल्ली बुलाया छेवें पातशाह जदों गए ने, अमृतसर साहब दा प्रबंध दो सिखां दे कोल सी, एक भाई गुरदास एक भाई बैलो, इहदा जिक्र मिलदा है। जिहड़े अमृतसर साहब दा प्रबंध है वह जिहड़ा दरबार साहब का प्रबंध है वह भाई गुरदास कोल है, जिहड़ा अकाल तख्त साहब का प्रबंध बा बुढ़ा साहब कोल है, तो जिहड़ा बाकी प्रबंध है जो गुरु के लंगरां दा है, गुरु की संगतां दा है, आने जाने वाले सिखां सेवकां दा है, संगत नूं अटेंड करन दा है, वह सारा ही प्रबंध भाई बैलो दा सी। इह जिम्मेवारियां तिन सिखां नूं दे के छेवें पातशाह दिल्ली गए। उस वक्त जहांगीर दे मन च ख्याल आया भी भावें फौज थोड़ी जी नाल छेवें पातशाह लैके गए सन,
ते जहांगीर मन च ख्याल करदा सी वी किसे तरीके नाल गिरफ्तार करां ते ग्वालियर दे किले च हुणे ही पा दियां, पर वह भी शातर दिमाग बंदा सी, हौली हौली समय नूं वरतना चाहुंदा सी। उहने तख्त ते बैठिया बैठिया इक दिन किसी ने आके कन्न च सुनेहा दिता, कहण लगे जहांगीर आ काम करन वाला बड़ा चा चढ़िया, बड़ा खुश होया। छेवें पातशाह नूं कहिंदा वी चलो शिकार ते चलीए। दिल्ली तो थोड़ी जी दूर ते गए ने दोलीपुर, शायद पिंड दा नाम लिखिया है। उत्थे पहुंचे, जदों गए ना छेवें पातशाह नूं जहांगीर कहिंदा इत्थे बड़ा खूंखार जा शेर आ, वो सुनिया बड़ा लोकां नूं तंग करदा है, आदमखोर हो गया। जहांगीर पता की नीति वरतदा सी, नीति उहने इह वरती भी मैं हरगोबिंद साहिब नूं अज वी ते कल वी गिरफ्तार करना जां मरवाउणा ते है, क्यों ना होवे शेर दे कोलों मरवा दें, शेर दे नाल मुकाबला हरगोबिंद दा करावांगा, शेर मार देगा सारे गल सारे हिंदुस्तान च गल फैल जाएगी कि शेर ने मारता हरगोबिंद साहिब, मैं सुरखरू हो जावांगा बच जावांगा। मैं तो यही गल कहांगा भी जहांगीर तो रोक जहांगीर ने तो रोकिया हरगोबिंद साहब नूं शेर का शिकार ना करन ते, पर हरगोबिंद गां आप होए शिकार करन वा, यह जहांगीर की प्लैनिंग सी। पर जिस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी अगाह होए ना, तो शेर का शिकार होया ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उत्थे जिक्र बड़ा कमाल, सूरज प्रकाश ने बड़ा ही कमाल किया है, कहिंदा जो छेवें पातशाह ने पहली बार जो शेर का शिकार उत्थे किया ना, तो शेर दौड़ा चढ़िया आके छाल मारदा, महाराज ने खब्बे हाथ दे नाल ढाल ते अगले पंजे लै ले उहदे दोवें, ते सतगुरु साहब ने थोड़ा जिहा टेढ़े नूं हो के उहदी वखी नूं सिध्या हो के ना, ते गुरु हरगोबिंद साहब ने जिहड़ा वार किया सी उस शेर नूं लक्कों चीर के, ते छेवें पातशाह दी शमशीर जिहड़ी है उह जमीन दे अंदर धस गई सी। मतलब इन्नी जोर नाल छेवें पातशाह ने जो मारिया शेर नूं, ते जहांगीर मूँह चुंगल पा के हैरान होया सी भी एडी छोटी उम्र दा है पर ताकत किन्नी है, बलवान किड्डा ते बहादुर किड्डा है। इस गल तो उहदे मन च आया भी वाकई ये बहादुर जे एडे आदमखोर शेर की परवाह नहीं करता उन्हां नूं मार सकता है, ते साडे वर्गे बंदे मामूली बंदे की तलवार अगे की चीज़ है। इस गल तो नफरत करता सी। हाँ एक जिक्र होर उहदे मन च ख्याल आया, जो आगरे की धरती ते गुजरात तो आए सिख ने एक दे जहांगीर दे कोल टका भी चुक लिया सी, घा दी पंड भी चुक लई सी, उन्हें आखा नहीं ये तो छेवें गुरु हरगोबिंद साहब जी की भुलेखे नाल तुहाडे दरबार में आ गया, ये तो भेटा गुरु हरगोबिंद साहब नूं देनी। जहांगीर नूं इस गल का भी खार लगा है, एडे आम मामूली जे बंदे घा खोतन वाले भी हिंदुस्तान के बादशाह की परवाह नहीं करते, तो गुरु हरगोबिंद साहब अगे अपना आप वारन नूं तैयार होंदे। एक आम घा खोतन वाला भी जहांगीर की परवाह नहीं करता, अज नहीं तो फिर कल इहो जे बंदे बगावत करनगे ही करनगे। उदों फिर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं जहांगीर ने ग्वालियर तो फिर गिरफ्तार करके ते किले च पा दिता सी। इदां होया सतगुर सच्चे पातशाह जी दे। हाँ एक सूरज प्रकाश ने जिक्र होर किया भी जहांगीर बीमार सी, उन्हें आख्या मेरे नाँ का 40 दिन पाठ करो, 40 दिन चलीहा कटो ते तां मेरा रोग ठीक होएगा। पर विद्वाना ने जिहड़ी न्यू रिसर्च की उहदे च इह पक्ष जरूर दस्सियो उन्होंने। खैर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दीआं नवीआं कारवाइयां, बाबा बुढ़ा साहब वर्गे ने चौंकियां शुरू कर दीआं, जिहड़ियां प्रभात फेरियां शुरू होईआं ने इसे तो शुरू होईआं सीगीआं। जदों छेवें पातशाह ग्वालियर दे किले अंदर सीगे तां उस वक्त बाबा बुढ़ा साहब ने अमृतसर साहब तो निशान साहब अगे चुक के तुरना, ते संगतां ने जूटियां दे शब्द पढ़दिआं होईआं ग्वालियर दे किले दीआं परिक्रमा करके आउणीआं, ते जिहदे करके जहांगीर नूं रिपोर्ट मिलदी सी वी पंजाब विच इस गल दी बगावत उठ रही है, अज नहीं ते कल नूं बगावत ने जोर फड़ लैणा है जे हरगोबिंद साहब दा प्रबंध ना कीता गया। उस वक्त एक बंदे दा जिक्र करना अहम जरूरी है, उहदा नाम है वजीर खान। तुसीं अमृतसर साहब जांदे हो ना, जिथे दुख भंजनी बेरी दे नाल इक थड़ा बणिआ ना, उत्थे एक रोगी का पंजवें पातशाह ने रोग कटिया सी, उहदा नाम सी वजीर खान।
उदा जलौदर का रोग होया। जलौदर का रोग वह हुंदा है कि जो शरीर का खून भी पानी बन लग पवे, शरीर का पानी इन्ना वध जाए कि पेट फुल जाए। तो वजीर खां नां का बंदा लाहौर का वासी सी, जो एक सिख ने लागे घर तो सुखमणी साहब का पाठ सुनाया सी, इहनूं सुकून मिलिया। इन्हें आख्या भी तेरी बाणी सुन के मैनूं सुकून मिलदा, दर्द घटदा है, ये मैनूं रोज़ सुनाया कर। वह सुनाउन लग पिया, वह कहिंदा भी मेरा इलाज ही करवा दे। वह कहिंदा भी पंजवें पातशाह अमृतसर साहब ने वो चुक के लियाए इहनूं अमृतसर साहब उत्थे मंजे ते पा के, इत्थे बुढ़ा साहब जी टोकरी चुक के मिट्टी दी ते लैके जाण दे। छेवें पंजवें पातशाह ने आवाज़ दे के आख्या बा बुढ़ा साहब जी नूं भी टोकरी अजे ढिड ते मार। वो मिट्टी टोकरी भरी वो पेट से मारी, वह पानी निकल गया शरीर का। उस तो बाद जलौदर का रोग नहीं होया। वो बंदा हालांकि खुद वैद सीगा, तुसीं सुनो, जिहड़ा बंदा खुद वैद सीगा अज पंजवें पातशाह को अपना इलाज करवाउण आया। तो जो इस बंदे की बात करो, ये बंदा साई मियाँ मीर का भगत बनया, पंजवें पातशाह का श्रद्धालू बनया। इस बंदे ने गुरु घर के खिलाफ गल्लां करन वाले बहुत सारे बंदियां नूं रोकिया ते टोकिया ते मना करदा हुंदा सी। इहदा जिक्र कर लगा सां, किसी वक्त जहांगीर दी घरवाली नूर जहां इन्नी बीमार पै गई सी वी उहदा इलाज इस वजीर खां ने कीता सी। उहने 2 लाख रुपया इहनूं इनाम दिता। उहने कहा 2 लाख रुपया इनाम नहीं लैणा, मेरी एक बेनती आ जहांगीर नूं कह के गुरु हरगोबिंद साहिब नूं ग्वालियर दे किले चों रिहा कीता जाए, मैं ये बेनती करदा। उदों इस बंदे ने अपना 2 लाख रुपया नूरजां कोई नाम नहीं लिया, पर इस गल की शर्त रखी है कि एडे साई लोग ने गुरु नानक की गद्दी दे मालक ने ते तेरे पति ने जहांगीर ने उन्होंने ग्वालियर के किले च कैद किया होया। नूरजहां नूं जदों पता लगा फिर उन्हें जाके जहांगीर नूं भी चंगी तरह खड़काया है, समझाया है कि तू ये ना पंगा लै गुरु नानक की गद्दी दे नाल नहीं मथा लाईदा। उदों फिर इहदा प्रभाव यह भी पिया, खैर गल वक्री है। उदों फिर गुरु छेवें पातशाह ग्वालियर के किले चों रिहा हुंदे सन। तो जिक्र योग है 1612 का, गुरु हरगोबिंद साहब अमृतसर साहब पहुँचे, नवी फिर एक फौज तैयार होंदी है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अज गुरता गद्दी दी, मैं तां थोड़ा जिहा पक्ष वध रखिया है। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने यह वडियाई बख्शिश की सिख कौम नू। सतगुरु साहब ने एक एक योधा अपने वर्गा बनाया, एक एक सूरमा पातशाह ने अपनी फौज का हिस्सेदार बनाया। हजूर पातशाह कहिंदे ने गुर दयाल समर्थ गुर, मेरा गुरु हर पक्ष तो दयालु भी है तो समर्थ भी है। गुर दयाल समर्थ गुर, गुर नानक पत तो उधार ने, मेरा गुरु नानक जिहड़ा है पतता नूं उधार करन वाला, पापी तो पापी बंदे दा भी भला कर देने वाला कोई बंदा किते भी उन्हूं थां ना मिलदा होवे किते किसे दर ते भी। इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने जे रब भी धक्का मार दे, जे रब भी आखे जा बंदिया तेरे तेनूं थां नहीं देनी, कहिंदे ओ भी बंदा सतगुरु दी शरण विच आ जाए मेरा गुरु उन्हां नूं भी बख्श लैंदा है। क्योंकि गुरु अंगद देव साहब महाराज ने गुरु अमरदास महाराज की झोली च एक बख्शिश पाई सी, नथावियां दा थाम, कि महाराज जिन्हों कोई भी थां ना दवे, जिन्हों कोई बंदा भी अपने घर ना रखे, उन्हों गुरु अमरदास महाराज का दर जरूर थां दिंदा, गुरु रामदास का घर थां जरूर दिंदा। इस करके मेरा गुरु पापियां तो पापी बंदियां दा भी उधार करन वाला है। हजूर ने भौजल बिखम असगा गुरबोहित तारियम, संसार रूपी भौजल बड़ा औखा है तरन वाला, पर मेरा गुरु बोहित बनता है जहाज, बोहित का अर्थ हुंदा है जहाज। मेरा गुरु वो जहाज है जिहड़ा सौखी पार लंघा देने वाला है। बाणी च बड़े प्यारे सच्चे पातशाह जी ने शब्द बाणी च वरते ने, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोई। गुरु जहाज है तो गुरु ही खेवट है। मलाह एक शब्द आउंदा तुलहा, तुलहा शब्द कुछ होर हुंदा है, बेड़ा होर हुंदा है, जहाज होर हुंदा है, वखरा वखरा फर्क है।
तुलहा शब्द जिहड़ा हुंदा ना तुलहा वह हुंदा तुसी आम वेख्या तुसी कदे रावी दरिया ते जाके वेख्यो हुण चलो ना वड्डी बेड़ी बनाई पहला इदां हुंदा जदों कि वड्डे वड्डे साधन दरिया तो पार खड़दे आ ना जिहदे नाल जिदा जां मशीनां खड़दे ट्रैक्टर ट्रालियां खड़दे ने वह खुला जिहा हुंदा उहदे उपर ट्रैक्टर ट्राली सिद्धी खिलार दिंदे ने उहनूं तुलहा कहिंदे ने तुलहा उह भार ढोण वास्ते हुंदा उह पार लंघाउण वास्ते तुलहा हुंदा ते सतगुरु कहिंदे मेरा गुरु खेवट है गुरु जहाज है मलाह भी मेरा गुरु है जहाज भी गुरु है ते मेरा सतगुरु लंघाउण वाला भी है पार लंघाउण वाला इस करके कहिंदे ने भौजल बिखम असगाह गुरबोहित तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या मेरे पातशाह कहिंदे ने गुरु की चरण शरण विच लग्या ही गुरु की हजूर गुरु के चरणों में जुड़िया ही वड्डे भाग क्रम का अर्थ है वड्डे भाग जागते ने बादशाह कहिंदे ने नानक पूर करम उस बंदे दे करम पूरे ने भाग पूरे जागे ने कदों सतगुर चरणी लगे हाँ गुरु की चरण में लगे हाँ फिर पौड़ी अंदर समझाउंदे धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे धन है मेरा गुरु गुरदेव परमेशर जिदे नाल जुड़ करके मैं गुरु नूं जपिया ते गुरु ने परमेशर नाल जोड़ दिता परमेशर दा राह विखाया धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब पए ता अवगुण सब छपे जदों गुरु किरपाल हुंदा है गुर किरपाल जब पए ता अवगुण सब छपे ता अवगुण सारे छिप गए मुक गए गुरु ने अवगुणा ते पर्दा पा दिता गुरु अवगुण ढक लैंदा है जदों कोई गुरु की शरण मानदा है ना गुरु मनुख दे अपने प्यारे दे सतगुर सिख के सतगुर सिख का पर्दा ढक है गुर का सिख बेकार ते हट है गुरु पर्दा ढक लैंदा है मेरा गुरु है ऐसा दयालु पातशाह कहिंदे ने गुर किरपाल जब पए ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे मेरा गुरु परमेशर वह पार ब्रह्म जड़ा नीचा नीचा उच्चिया कर लैण वाला जदों छेवें पातशाह ने फौज तैयार की सूरज प्रकाश ने कहा कई नफरत की केड़ी फौज तैयार कर ली है जिहड़ियां छोटियां जातां दे लोकां नूं कोई पुछदा नहीं उन्हां नूं गुरु हर गोबिंद शस्त्र पवाई जांदा है उन्हां नूं बाणे पवाई जांदा है उन्हां नूं शस्त्र विद्या सिखाई जांदा है पर कहिंदे सतगुरु हर गोबिंद साहिब महाराज ने किसे गल दी परवाह ना लोकां दी कीती अपने कार्ज अंदर लगे रहे बड़े बड़े श्रद्धालु फिर गुरु साहिब दे सिख बन गए अपनियां जानां तक वार लग्गियां पल नहीं सी लाउंदे जिन्हां नूं गुरु हर गोबिंद साहिब नाल प्रेम बनिया सी भाई पैरागे वर्गे भाई विधिया वर्गे भाई जेठे वर्गे भाई लंगाह वर्गे ये गुरु हर गोबिंद साहब के जथेदार सिंह सिख सन जो कि जो गुरु हर गोबिंद साहब की 500 फौज हुई ना तो 5 जथिया च वंड दिती 500 सिख जथा बना दिता तो हर एक सिख नूं उन्हां विचों भाई विधि चंद जथेदार भाई जेठा जथेदार भाई पैरागा जथेदार भाई पैराणा ते भाई लंगाह जथेदार बनाए गए सन बहादुर योधे सन और एक गल बड़ी कमाल दी है जिहड़ा जिहड़ा रामचंद्र दा तुसी जीवन पढ़ो ना तो ये गल उदों मन्नी जांदी भी हनुमान ने 52 वीर पैदा कीते सी 52 वीर वो जेडे बड़ी ताकत रखण वाले सन पर एक गल वेखो मैं इतिहास विचों पढ़ी है गुरु हर गोबिंद साहब ने 52 शस्त्रधारी योधे वो रखे जेडे सिख फौज नूं शस्त्र सिखाउण वाले उस्ताद सीगे महाराज ने 52 सिख वो भर्ती किते जिन्हां ने शस्त्र विद्या की पूरी ट्रेनिंग लई हुई सी ते गुरु की फौज नूं सिखाउंदे सीगे ये 52 वीरां तो घट नहीं सी जदों मुखलिस खां चढ़ के आवे काले खां चढ़ के पैंदे खां चढ़ के आवे तो फिर डट डट के सामने होकर मुकाबला करते सन ऐसे बहादुर 52 सारे वीर है सारे गुरु हर गोबिंद साहब के सिपाही सारे वीर ने पातशाह कहिंदे ने नीचे उच थप्पे मेरा गुरु है ही ऐसा नीचे उच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे परवाह नहीं करता किसी की काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसे सिलक का अर्थ हुंदा है फाही माया दे दुखां दी फाही कट के अपना
बना लेंदा है, अपने च मला लेंदा है। गुण गाए बेअंत रसना हर जसे, कोई हरि वाहिगुरु दे बेअंत गुणा नू गाउंदा है, ओदी रस ओदी वडियाई अपनी रसना नाल जस कह के वडियाई कह के शोभा कह के गा रहा हुंदा है। महाराज तेरे गुणा नू वेख के तेरी शोभा दे के हर एक आप मनुख हर एक सिख अपने मुख तो तेरी वडियाई गाउंदा है, तेरी शोभा गाउंदा है। पातशाह ने कृपा की शब्द की विचार करदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां दी खिमा बुलाओ। फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।